हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द्वारका ड्राइविंग स्कूल में। आज हमारे साथ है प्रिया पाल जी। तो एवरीवन, हेलो मैम। तो इनका फिफ्थ डे आज, ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र मलिक, होस्ट एंड आपका दोस्त, आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारे स्टूडेंट है, फिफ्थ डे आज इनका, ये आपको बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस किया इन्होंने। तो जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कैसा रहा मैम आपका हमारे साथ ये 5 दिन का जो एक्सपीरियंस है, 4 दिन का सॉरी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, और मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हैं विक्की मलिक जी, और इन्होंने पहले दिन से ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे और मैं डरूं ना, इसके लिए उन्होंने पहले दिन से ही मुझे रोड पर उन्होंने ड्राइव के लिए मुझे मोटिवेट किया कि आप ड्राइव मेन रोड पर करेंगी, सर्विस रोड पर नहीं करेंगी, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। ना ही उन्होंने कहीं पर भी ये कि मेंशन किया हुआ है कि हाँ हम लर्निंग स्कूल वाले हैं, तो शायद कुछ ट्रैफिक जो है इधर उधर हिल जाए कि नहीं इनको टच नहीं करना, इस गाड़ी को टच नहीं करना, ये भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने जैसा नेचुरल ट्रैफिक जो रोड पर चल रहा है हम उसमें गाड़ी चला रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि पहले दूसरे दिन ही आप मेन ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, और उन्होंने जगह जगह, चाहे वो पार्किंग एरिया हो, चाहे वो हमारे फ्लाईओवर्स हों, हर जगह उन्होंने हमें ट्राई कराया, हमें चलवाया, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत रश वाले एरिया में, वन वे वाले एरिया में भी हमें चलाना सिखाया। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू मिस्टर विक्की मलिक ऑल्सो कि उन्होंने इतनी अच्छी गाइडेंस मुझे दी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम। तो कल आपने गुड़गांव में भी अपनी कार चलाई? हाँ, मैंने कल गुड़गांव में अपनी गाड़ी चलाई है और बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है। मेरी फैमिली मेरे साथ थी एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी कि मैं इतने कम दिनों में और इतना अच्छा सीख गई। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, आपने देखा ही है कि प्रिया पाल जी ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि 4 दिन में इन्होंने कैसा हमारे ड्राइविंग स्कूल से सीखा है। जो भी इनका एक्सपीरियंस है, ये अपनी कार भी चला चुके हैं, वो भी गुड़गांव जैसे ट्रैफिक में। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आज भी ये आपको चला के दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। ये आपको इंडिकेटर वगैरह, लेन चेंज जैसे होती है, शार्प टर्न, यू टर्न, लेफ्ट टर्न कैसे लेते हैं, इनको पूरी तरह से, साइड के मिरर का कैसे यूज करना है, ये आपको अच्छी तरह से आप बताएंगे। ठीक है मैम, सीट सेट कर लीजिए, अपने ग्लास सेट कर लीजिए। ठीक है मैम जी। हाँ, और चलिए दिखाइए अपना कौशल इंडिकेटर लगा के मैम। हाँ, आप बिजी रोड पे खड़े हैं ना, रोड साइड राइट का ग्लास देख। कौन सी लेन में चलना है मैम हमें? ये हम सेंटर लेन में चल रहे हैं। गुड, गियर चेंज कीजिए, आवाज आ रही है। सेंटर लेन में क्यों चलते हैं हम? सेंटर लेन में हम ये चलते हैं क्योंकि हम, ये एक सेफ लेन होती है। गुड, और इसलिए हम सेंटर लेन में। ये नॉर्मल चलने वालों के लिए मिडल लेन होती है, सेफ लेन भी बोलते हैं इसको। राइट की लेन में क्यों नहीं चलते हम? राइट की लेन में जो बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं जो वो चलते हैं, और लेफ्ट की लेन में टू व्हीलर्स और स्मॉल व्हीकल्स। राइट की जो लेन होती है वो स्पीड लेन है। हम कहाँ जा रहे हैं अभी फिलहाल? आगे से यू टर्न करेंगे फ्लाईओवर के नीचे से। आज मैम आपको रिवर्स करवाएंगे। अच्छा, ठीक है। राइट का इंडिकेशन दीजिए। गुड, ग्लास में देखना नहीं भूलना प्रियापाल जी, ठीक है जी। ग्लास में देखने की आपको आदत होनी चाहिए, नीड नहीं लगनी चाहिए कि कोई नहीं है तो मैं टर्न कर लूँ। कभी भी कोई भी आ सकता है, आप बिजी रोड पे चल रहे हो, बाइकर्स आ सकता है, गाड़ी वाला आ सकता है, कोई भी आ सकता है, पैदल वाला आ सकता है। और जैसे ऐसे ब्लाइंड टर्न है, देख रहे हो आप कार निकली है, वो रॉन्ग साइड आया, तो इस पर हमेशा क्लच और ब्रेक से गाड़ी आपको निकालनी है। ठीक है मैम, रेस पे पाँव नहीं रखना और हॉर्न दे के जाना है। हॉर्न दीजिए। गुड, हाँ ऐसे ब्रेक पे पाँव रखा, हाँ वापस छोड़िए ब्रेक, दबाना नहीं था उसको, सेफ्टी पर्पज से लेफ्ट का देख के ब्रेक पे पाँव रख के, हाँ
चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट का टर्न राइट के लेन से राइट की ही लेन में, अब लेफ्ट के ग्लास को फॉलो करेंगे ताकि आपको पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसका सेंस हो जाए कि कौन आ रहा है। ठीक है मैम, हम स्ट्रेट चल रहे हैं। हाँ स्ट्रेट, फ्लाईओवर से आने वाले ट्रैफिक को देख के चलना है मैम। ठीक है, फ्लाईओवर से आने वाला राइट के ग्लास में दिखेगा, दिखने लगा। हाँ धीरे धीरे मर्ज करना है, एकदम नहीं। हाँ स्ट्रेट ना। हाँ अभी तो स्ट्रेट चलिए, सिग्नल से लेफ्ट जाए। ग्लास में देख के लेफ्ट में कोई है पीछे, सीधा कीजिए हल्का सा। आज हस्बैंड के साथ नहीं चलाई मैम? नहीं आज वो बिजी थे। हाँ आज वो बिजी थे, मेरा भी स्कूल था। कितने बजे आए थे स्कूल से? मैं आ गई थी कोई 2 बजे। एक्सीलेटर पे पाँव नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है मैम। क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक। गियर चेंज करो, स्पेस बन गया। राइट साइड में और लेफ्ट साइड में गाड़ी पार्क है तो थोड़ा सा राइट कीजिए। हाँ गुड, अब इसको कवर लेके लेफ्ट में आइए। हाँ वेरी गुड, राइट का ट्रैफिक देख के मैम गर्दन घुमा के देखेंगे पीछे से आने वाला। अच्छा। ट्रैफिक। हाँ जब भी स्लिप रोड से आप मेन रोड पे आपकी कार मर्ज कर रही है, यानी कि उस पर एंटर कर रहे हो, एंटर करने से पहले कार मर्ज करने से पहले आपको राइट में गर्दन घुमा के देखना जी। नहीं भूलना है, ठीक है मैम। हाँ अब जैसे ही सामने वाली गाड़ी हमारे जो सामने है ब्रेक लगा रही है तो हमें भी ब्रेक लगाना है। गुड, चलिए धीरे धीरे, भागना नहीं है ग्रीन देख, कंट्रोल में चलना है। थोड़ा उधर रखिए, ब्रेक लगाइए हल्का, न्यूट्रल कर लो, काफी लंबी है। चलिए मैम छोड़िए धीरे धीरे, चल क्यों नहीं रहा है, हॉर्न दो वाला नहीं चल। चलो ये काट के ये लेफ्ट में घुमा के निकल सकता है, दो रेस दो मैम। वेरी गुड, सिग्नल पे जब भी खड़े हो आगे वाली गाड़ी में स्पेस नहीं बनाना है, ठीक है मैम। जल्दी से जल्दी जैसे स्पेस बढ़ रहा है तो स्पेस और स्पीड बढ़ा लो तो पीछे से हॉर्न नहीं मारेंगे लोग आपको।
के सोनोग्रो में थर्ड गियर लगा लो जैसे साउंड आ रहे हैं। धीरे धीरे मर्ज करना है, एकदम कट नहीं मारना, हल्का हल्का आते रहो। गुड, बस सामने देखो, वो ई रिक्शा खड़ी है ना उससे आगे रुकना है, इंडिकेटर हटा दो वैसे। हाँ गुड, लेन चेंज करने के लिए लगा था, हट गया था आप देखो मत उसको, बस अच्छा। क्लच दबाओ, हाँ ब्रेक लगाना शुरू करो, इतना टाइट नहीं मैम, छोड़ो ब्रेक, हल्का ब्रेक, फर्स्ट गियर पे कर दो, करोगे अभी जाने दो, रुकने अच्छा। दो हाँ अब करो, ब्रेक लगाओ, याद है, रिमाइंड है कुछ? पहली बात तो पार्किंग लाइट ऑन करोगे, अच्छा हाँ, क्योंकि हम बिजी रोड पे खड़े हुए हैं, कोई हमें फॉलो ना करे, कोई हॉर्न ना मारे, याद है क्या क्या करना है, स्टेप हाँ। कैसे कैसे करना है? पहले हम क्लच को जब उठाएंगे तो आवाज आएगी, तब हमें ब्रेक छोड़ना है धीरे धीरे, और फिर पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, और उसके बाद ब्रेक पूरा छोड़ देना है तब आगे बढ़ने के। पहले आप क्लच छोड़ोगे, क्लच कितना छोड़ना, पहली बात तो फर्स्ट जो स्टेप है आपको ब्रेक से पांव नहीं हटाना है, उसको दबा के रखना है, जैसे ही ब्रेक छोड़ोगे कार पीछे की तरफ रोल करेगी, ठीक अच्छा। है, ये आरटीओ टेस्ट में भी आएगा, अप ग्रेडियंट 12 इंचेज का रोल बैक मिलता है, 12 इंच से ज़्यादा अगर आपकी कार बैक रोल कर जाती है हाँ। तो आप फेल हो जाओगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है मैम। 12 इंच कितना होगा? 1 फीट अच्छा। हाँ जरा सा पैर हटा नहीं वो 12 इंच से ज़्यादा चली जाएगी अच्छा। जब तक आप दबाने जाओगे ब्रेक, तो कोशिश ये रखनी है कि ब्रेक नहीं हटाना है, और कब तक नहीं हटाना है, जब तक आप क्लच को ऊपर लेके आते हो, वाइब्रेशन आता है आपकी कार में हाँ। जब तक क्लच को होल्ड नहीं करते, यानी कि प्रिपेयर नहीं रहते क्लच के साथ आप आगे चलने के लिए, जैसे ही सिग्नल वहाँ पे ग्रीन होगा आपको ब्रेक से पांव हटाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले क्लच छोड़िए, धीरे धीरे, वाइब्रेशन नहीं आया अभी, अब आ गया वाइब्रेशन, अब क्लच को यही होल्ड कीजिए, ब्रेक छोड़िए, हाँ कर रही है मूव हाँ। हाँ थोड़ा सा और क्लच छोड़ दो, रोको, थर्ड गियर सही नहीं लगाया आपने, न्यूट्रल जल्दी, करके जल्दी के चक्कर में गलती नहीं लगा दिया न्यूट्रल, पहली बात तो इतना टाइट गियर नहीं पकड़ना है जितना आप पकड़ रहे हो, गाड़ी बंद भी हो जाए ब्रेक तब भी नहीं छोड़ना है, डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर ये समझ में नहीं आया आपको, फ्लाईओवर वगैरह पे क्यों आएगी, जैसे आपकी कार बंद हो गई आप ब्रेक छोड़ देते हो, छोड़ के देखो पीछे चली जाएगी हाँ। ब्रेक नहीं छोड़ना है जब तक आगे जाने के लिए प्रिपेयर नहीं होते आप, स्टार्ट कीजिए, गाड़ी ऑन करो पहले, गुड, आराम से फर्स्ट गियर लगाइए, लेफ्ट में दबा के रुकिए, ऐसे नहीं पकड़ते गियर लीवर को, ऐसे एक उंगली से लग सकता है अच्छा। ये पोजिशन होनी चाहिए, उसको धक्का मारना है आगे करना है, ठीक है हाँ, बस अब छोड़िए, ब्रेक नहीं छोड़ना है, पहले क्लच, गुड, ब्रेक छोड़िए, अब ब्रेक छोड़िए, वेरी गुड, चलने दीजिए, गुड, रोकिए फिर से क्लच दबा के, इसको जाने दीजिए बाइकर्स को, चलो छोड़ो क्लच छोड़ो, कहाँ तक छोड़ना है? 12 इंचेस ना? नहीं, क्लच वाइब्रेशन मोड, जब वाइब्रेशन मोड होता है हाँ वहीं पे होल्ड होना चाहिए क्लच आपका, और ज़्यादा नहीं छोड़ना है, रोकिए फिर से, गुड, चलिए होल्ड कीजिए क्लच को वाइब्रेशन मोड पे, हो गया, ब्रेक छोड़िए, कितनी भी देर तक आप होल्ड करके रख सकते हो उसको, थोड़ा ही देर रखिए, अगर मैं पूरा क्लच अभी छोड़ देती हूँ तो कोई दिक्कत चलती रहेगी, चलने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, रोकिए, लेकिन जब तक कार मूव नहीं करती तब तक पूरा क्लच रिलीज नहीं करना है अच्छा। बंद हो जाएगी तुरंत, ठीक है, उसको होल्ड रखना है जब तक अच्छे से मूव ना करे, जैसे छोड़िए क्लच को यहीं होल्ड कीजिए, होल्ड करके रखोगे जब तक, नहीं छोड़ दिया आपने, स्टार्ट करो, क्लच दबा के, सीट आगे करनी है नहीं बस ठीक है, तो एडी नहीं उठानी है, ठीक है। एडी उठा रहे हो आप, पंजा उठेगा तभी रोक पाओगे उस प्रेशर को, एक जगह तभी उसको स्थिर रख पाओगे क्लच को, चलिए बस अब ब्रेक छोड़ो, छोड़ दो
क्लच छोड़ो थोड़ा थोड़ा, बस बढ़ रही है आगे, ये करना है, रोको फिर से क्लच ब्रेक लगा के, गुड, क्लच छोड़िए फिर से, वाइब्रेशन मोड पे होल्ड कीजिए, बस यहीं रुके रहना है आपको वाइब्रेशन मोड पे, जब टेस्ट के लिए जाओगे रोको, हाँ क्लच छोड़ो धीरे धीरे, जब तक मैं ना कहूँ चलना नहीं है, ठीक है, जब आप टेस्ट देने जाओगे यहीं पकड़ के रखोगे, ज़्यादा छोड़ रहे हो, थोड़ा कम छोड़ो, हल्के वाइब्रेशन पे छोड़ो थोड़ा सा, बस यहीं होल्ड रखोगे क्लच को, ठीक है, जब ग्रीन होगा सिग्नल ब्रेक से पाँव हटा लेना है, हटाओ ब्रेक ब्रेक से, हाँ ऐसे चलने लगेगी, ठीक है, समझ में आया, चलो ये पार्किंग लाइट हटाओ, गुड, अब राइट के ग्लास में देख के चलो, चलो चले सीधा, हाँ हाँ चलो चलो, गियर चेंज करो, चलो दो रेस। मैंने भी देखा है मेरे हस्बैंड ना गियर बहुत लाइटली करते, पता ही नहीं चलता, मैं बड़े आवाज करके करती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे वो साथ? एक ही रीजन है, आप इस गियर नोब को टाइट पकड़ते हो, अच्छा, उसको हल्के हाथ से फील करना है उसको, हाँ, जब वो तक आप फील लाइट करते हैं पता ही नहीं चलता, मिडल में मैडम को बता दिया कि एक उंगली से गियर लगता है, जब तक आप उसको फील नहीं करोगे तब तक गियर आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा गियर लगाया है, जितना टाइट गियर नोब को पकड़ोगे उतने ज़्यादा गियर गलत डालोगे आप, बस ये चीज़ आप देख लो, ये आज ही छोड़ो, सही करना है या फिर गलतियाँ ही करते रहना है, ठीक है सही करना है, हाँ अभी हम सीधे चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं अभी, तो सिग्नल से लेफ्ट जाएंगे, लेकिन लेफ्ट जाएंगे सीधे सिग्नल से, अभी चलते रहो सिग्नल से, यही कहता है कि जितनी तुमने स्मूथ और हल्का चलाना सीख लिया ना, हाँ, स्पीड तो कोई भी चला सकता है, बाद में कुछ भी चला लोगे स्पीड तो, लेफ्ट जाएंगे, इंडिकेटर लगाया, धीरे धीरे लेफ्ट में दबाना शुरू करो, गुड, चलो दो हल्का सा रेस, आओ लेफ्ट में, ग्लास में देख, ग्लास को मिस नहीं करना है, बोलना नहीं है, वेरी गुड, मेन रोड पे मर्ज करने से पहले पीछे मुड़ के, हाँ गर्दन पीछे नहीं, वो राइट में ब्लाइंड स्पॉट पे घुमाओ, हाँ ऐसे जैसे ये कार आ रही है, ठीक है, चलो घुमाओ घुमाओ, वेरी गुड, राइट के ग्लास में देखो, हाँ लेफ्ट का टर्न लेते हो, टर्न लेते ही राइट का ग्लास देखना है, राइट का टर्न लेते हो, टर्न लेते ही लेफ्ट के ग्लास में देखना है, ठीक है मैम, आपकी ड्राइविंग को बेहतर बनाएंगे।